हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं एसएस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। सभी प्यारे बच्चे अपनी तैयारी को बिल्कुल सुचारू रूप से जारी रखे हुए हैं। इस आशा से मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर हाजिर हो गया हूं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंतर्गत मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन वन अपन ने स्टार्ट किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। सभी प्यारे विद्यार्थी, परमाणु की संरचना के बारे में विस्तार से आप लोग जानते हैं और ये जो परमाणु की संरचना होती है इसके बारे में पढ़ने के लिए अपन ने तरंग यांत्रिकी मॉडल को पढ़ा है, जो परमाणु की संरचना का आधुनिक मॉडल है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। क्वांटम संख्याओं के बारे में मैं आपसे बात करूं, देखो प्यारे बच्चों, तो क्वांटम संख्या क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। क्वांटम संख्या जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, प्रकृति, ऊर्जा, इन सभी का निर्धारण करने के लिए हमें कुल चार संख्याओं की आवश्यकता होती है और इन चार संख्याओं को अपन क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इनको अपन बोलेंगे क्वांटम संख्या। क्या कहेंगे? क्वांटम संख्या इनको अपन कहते हैं। क्वांटम संख्याएं मुख्यतः चार प्रकार की है, चार प्रकार भी हैं। अपन बात करते हैं सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है द्विगंसी क्वांटम संख्या को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल एल से। थर्ड है अपना चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? स्मॉल एन से। नेक्स्ट फोर्थ है चक्रण क्वांटम संख्या, और चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे? स्पिन क्वांटम नंबर है, यानी इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो इनमें से, इन चार क्वांटम संख्याओं में से आप लोगों को मैं बता चुका हूं दो, कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ चुके हैं, द्विगंसी क्वांटम संख्या अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन शुरू कर रहे हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, आप लोगों को बताया जा चुका है कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है किसके बारे में बताती है? कोष के बारे में बताती है। द्विगंसी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? उपकोष के बारे में बताती है। ठीक है, और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होगी ये किसके बारे में बताएगी? कक्षक के बारे में बताएगी। देखो सीक्वेंस आप लोगों को ध्यान रखनी है, मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में बताती है, द्विगंसी क्वांटम संख्या आपको उपकोष के बारे में बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में बताती है। ठीक है ना, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना होगा। कोष जो होता है, इस कोष के अंदर होता है कौन? उपकोष। उपकोष के अंदर कौन होता है? कक्षक। और कक्षक के अंदर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये सीक्वेंस आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्या बताया? मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में बताएगी, द्विगंसी क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बताएगी, और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो कक्षक के बारे में बताती है, तथा चक्रण क्वांटम संख्या किसके बारे में बात करेगी? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करती है। ठीक है, तो बात करेंगे अपन यहाँ पर, अपना टॉपिक है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, देखो चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करेंगे अपन स्मॉल एम से। अब देखो जैसे मैं आपसे बात करता हूं तो जब कोई आवेशित कण गति करता है, आप लोग जानते हैं कोई भी आवेशित कण है, जिस पर चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, कोई भी आवेशित कण जब गति करता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी आवेशित कण गति करता है तो वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखो अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर ऋणावेश होता है, यानी कि ये कौन है? ऋणावेशित कण है। यानी कि जब ये ऋणावेशित कण गति करेगा तो ये भी क्या करेगा? ये भी आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी कि जब ये गति करता है तो इसकी गति से क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा।
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? ये जो चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ये आपका स्पेक्ट्रम बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पेक्ट्रम बनाएगा, स्पेक्ट्रम। और ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये अनेक रेखाओं में बट जाता है। स्पेक्ट्रम ही रेखाएं जो होती है, इस प्रकार से बट जाती है, विभाजित हो जाती है। और ये जो स्पेक्ट्रम रेखाएं यहाँ पर बनी है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें अपन कक्षक कहते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। आपको पता है कोई भी ऋणावेशित हो चाहे धनावेशित हो, कोई भी आवेशित कण जब गति करता है तो वो हमेशा क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऋणावेशित कण है, और जब ये गति करेगा तो ये भी क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो उससे स्पेक्ट्रम बनेगा, और स्पेक्ट्रम अनेक सारी रेखाओं के अंदर विभाजित हो जाता है, और इन्हीं रेखाओं को क्या बोलते हैं? कक्षक कहते हैं। अर्थात आपकी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो किसके बारे में बताएगी? कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताती है। कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताती है। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये किसके बारे में बताती है? कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। क्या बताया मैंने आप लोगों को? कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है ये कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताती है। आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो, ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इस चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान किस पर निर्भर करता है? तो देखो, चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या का मान L, L कौन है? द्विगंशी क्वांटम संख्या है, के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताएगी, और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो होता है किस पर निर्भर करेगा? L के मान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, L के मान के पर किस प्रकार से निर्भर करता है? तो देखो भाई, स्मॉल m का मान जो होता है, स्मॉल m का मान माइनस L से जीरो तथा प्लस L तक होता है। माइनस L से जीरो प्लस L तक होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये क्या चीज हुई, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो जरूर मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से होता है। तो देखो भाई, द्विगंशी क्वांटम संख्या सभी को अच्छे से अपन पढ़ चुके हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या एल का मान, ठीक है, एल का मान शुरू होता है कहां से? जीरो एक दो तीन। ठीक है, जीरो एक दो तीन इस प्रकार से शुरू होता है। और इसके लिए अपन एम का मान निकाले, तो मैंने क्या बताया? एम का मान क्या होगा? माइनस एल जीरो और प्लस एल तक होगा, माइनस एल से प्लस एल तक होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एल का मान जीरो है, तो माइनस जीरो करो, जीरो करो, प्लस जीरो करो, क्या रहेगा? एक ही रहेगा। ठीक है, जीरो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि एल का मान एक है तो माइनस एल करेंगे कितना जाएगा? माइनस का एक, एक वैल्यू तो ही हो जाएगी, एक हो जाएगी जीरो, और एक हो जाएगी क्या? प्लस के एक, यानी टोटल कितने मान हो गए इसके? तीन मान हो गए। ये जो आपका एल है, इसकी बात करते हैं, एल बराबर दो की बात करें अपन, तो देखो दो में क्या आएगा? एल बराबर दो यहां पर रखा अपन ने, तो माइनस के दो आएगा। अब आपको पता है माइनस से अपन कहां पढ़ रहे हैं? जीरो की तरफ पढ़ रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर पढ़ रहे हैं, तो यहां पर माइनस टू के बाद क्या आएगा? माइनस वन आएगा। क्या आएगा बच्चों? माइनस वन आएगा। माइनस वन के बाद कौन आएगा? जीरो, फिर आएगा प्लस वन, और फिर आएगा प्लस टू। यानी टोटल कितने मान हो गए यहाँ पर? एक दो तीन चार और पांच मान हो गए। प्लस तीन के लिए कितने मान होते हैं? तो देखो भाई, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, प्लस एक, प्लस दो और
प्लस तीन, तो ये टोटल कितने मान हो गए हैं, पांच सात मान यहाँ पर हो चुके हैं। कितने मान हो चुके हैं, सात। अब देखो एम का मान जितना होता है ना कक्षकों की संख्या भी उतनी ही होती है, एम का मान जितना होगा कक्षकों की संख्या भी कितनी होगी, उतनी ही होगी। अब देखो आपको पता है कि एल एल बराबर जीरो है, एल बराबर जीरो है तो उपकोष कौन सा होगा, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं, एल बराबर जीरो है तो उपकोष कौन सा होगा, एस होगा, ठीक है। एल बराबर एक है तो उपकोष कौन सा होगा, पी होगा। एल बराबर दो है तो डी होगा, और यदि यहां पर तीन है तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उपकोष के अंदर कक्षकों की संख्या की अगर बात करते हैं तो देखो जितना एम का मान होगा कक्षकों की संख्या भी उतनी ही होगी, ठीक है। जितने एम का मान होगा कक्षकों की संख्या भी क्या होगी, उतनी ही होगी, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, एम का मान बराबर होता है कक्षकों की संख्या। तो देखो एल का मान जीरो है एस उपकोष के लिए, एक है पी के लिए, दो है डी के लिए, और तीन है एफ के लिए। एल बराबर जीरो के लिए एम का एक मान आता है, एक के लिए तीन मान आते हैं, आपका दो के लिए पांच मान आते हैं, तीन के लिए सात मान आते हैं। तो यहाँ पर कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एस उपकोष में कक्षकों की संख्या हो जाएगी एक हो जाएगी, ठीक है। पी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। डी में कितनी हो जाएगी, पांच हो जाएगी। और एफ में कितनी हो जाएगी, सात हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एक और चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर तीन कक्षक है, कौन से, पी वाले, पी के अंदर कौन कितने कक्षक हैं, तीन कक्षक हैं। इन तीनों को अपन एक्सिस के अनुसार नाम देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है पी एक्स है, पी वाई है, और पी जेड है। तीन प्रकार के होते हैं ना, आपका पी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, पी एक्स, पी वाई और पी जेड होते हैं। और ऐसे ही डी की बात करते हैं तो ये पांच प्रकार के होते हैं, कौन सा होता है, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी एक्स जेड होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, और डी जेड स्क्वायर होता है। तो ये कुल पांच प्रकार के डी कक्षक होते हैं, ये सात प्रकार के हैं। केवल अपन को प्रकार किसके ध्यान रखने हैं, एक तो पी वाले का ध्यान रखना है और एक डी वाले का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैंने चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बहुत विस्तार से बात बता दी है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। किसके बारे में बताती है, कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताती है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्पेक्ट्रम बनेंगे, स्पेक्ट्रम की रेखाएं जब विभाजित हो जाएगी तो उन रेखाओं को अपन कक्षक बोल देते हैं, और कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताएगी कौन, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान एल के मान अर्थात द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। एम का मान माइनस एल से जीरो तथा प्लस एल तक होता है, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक इसका मान होता है। उपकोष एस है तो एल का मान जीरो होगा, पी है तो एक होगा, डी है तो दो होगा, और एफ है तो तीन होगा। आपको पता है उपकोष के अंदर ही कक्षक पाए जाते हैं, इसलिए अपन ये मान यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। अब एल के मान के अनुसार अपन एल के मान की बात करते हैं, तो एल बराबर जीरो के लिए एल का मान जीरो यानी कि एक मान होगा, एक के लिए तीन मान होंगे, दो के लिए पांच मान होंगे, और तीन के लिए कितने होंगे, सात मान होंगे, ठीक है। अब जितने मान एम के होते हैं उतने ही होती है उपकोष के अंदर कक्षकों की संख्या। जैसे कि एस उपकोष के लिए एम का मान एक आ रहा है तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। पी उपकोष के लिए एम का मान तीन आ रहा है तो कक्षक कितने होंगे, तीन, कौन कौन से है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड होंगे, ठीक है। डी के लिए एम का मान कितना आ रहा है, पांच आ रहा है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, पांच कक्षक हो जाएंगे, कौन कौन से हैं, dxy, dy square, dx square, dx square, y square और dz square हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट f की बात करते हैं तो f के लिए कितने कक्षक बन रहे हैं, सात बन रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। इनकी आकृति के बारे में कौन बताता है, तो वो अपनी द्विगंशीय क्वांटम संख्या बताती है, जो मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये थी अपनी चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। अच्छा, कभी आप लोगों से यहाँ पर जो है एक सामान्य जानकारी मैंने आपको बता दी है, कभी आप लोगों से यहाँ पर उपकोष में कक्षकों की अधिकतम संख्या को पूछा जा सकता है, साथ ही कभी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं आगे। देखो जरा जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर, देखो बात अपन करें यहाँ पर, देखो मेरे बच्चों, तो यदि आपसे पूछा जाए, नोट लगा के मैं आपको एक बात बता देता हूं, किसी उपकोष में कक्षकों की अधिकतम संख्या, कक्षकों की
अधिकतम संख्या। कैसे निकालेंगे तो फॉर्मूला याद रखेंगे 2L+1। किससे निकालेंगे अपन? 2L+1 से निकालेंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। किसी भी कोष के अंदर यदि बच्चों आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कक्षक कितने होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल है आपसे पूछा जाए कि पी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है। वैसे तो उनको याद होती है कक्षकों की संख्या, निकालने की भी जरूरत नहीं होती, परंतु कभी कभी अपन को कंफ्यूजन हो जाए तो अपन इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। देखो जरा क्या होता है, पी उपकोष के लिए पी के लिए एल का मान कितना होगा, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एल का मान हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूले में मान रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? कक्षकों की संख्या, ठीक है, कक्षकों की संख्या अपन निकालेंगे किससे? 2L+1 से। तो 2 × 1+1 करेंगे अपन, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 × 1 करेंगे तो 2+1 यानी कि कितने हो जाएंगे? 3 कक्षक हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? PX, PY और PZ। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो, चाहे कोई सा भी उपकोष आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी उपकोष के अंदर कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं। अब सेकंड में आपसे बात करता हूं कि यदि आपसे पूछा जाए कि किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? ध्यान रखेंगे 2 × 2N+1 होता है, कितना होता है? 2 × 2N+1 से अपन निकालेंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी कि डी कक्षक जो होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो कितने आ सकते हैं डी में? इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो इधर, इसके लिए अपन क्या करेंगे? एल का मान निकालेंगे। डी के लिए एल का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं अपन इसको, क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2+1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 × 2 करेंगे कितना जाएगा? पहले कोष्टक अपन सॉल्व करते हैं, 2 × 2 = 4 + 1 = 5, यानी कि यहाँ पर 2 × कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं इसके अंदर, डी के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से कभी पूछ लिया जाता है कि डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछा जाता है, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं यह किस प्रकार आप सिद्ध करेंगे? तो आप लोग क्या बताएंगे कि द्विगंशी क्वांटम संख्या एल के मान के आधार पर अपन बता सकते हैं कि डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन 2 × 2L+1 फॉर्मूले से आते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसी भी कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2L+1 से निकालेंगे, किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2L+2 × 2L+1 से अपन ज्ञात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है एग्जाम के अंदर, जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक की विषय वस्तु तो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे अपन यहाँ पर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं, और वो है लास्ट क्वांटम संख्या। और लास्ट क्वांटम संख्या क्या है, अपनी नाम बताओगे जल्दी से? लास्ट क्वांटम संख्या है आपके पास चक्रण क्वांटम संख्या। इसके बारे में हम बात करते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एस से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बारे में अपन बात अभी करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, चक्रण क्वांटम संख्या की अपन बात करें, उसमें एक वर्ड आ रहा है चक्रण, क्या आ रहा है? चक्रण। अब देखो चक्रण में अपन बात करते हैं किसके चक्रण के बारे में बात होगी, तो यहाँ पर बात होगी इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में। इसके बारे में बात होगी
इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में यहाँ पर बात होगी। अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से चक्र करता है, एक तो नाभिक के चारों ओर चक्रण, नाभिक के चारों ओर चक्रण, और दूसरा होता है अपने अक्ष पर चक्रण, अपने अक्ष पर चक्रण, ठीक है ना। तो दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्र लगाता है। कैसे लगाता है भाई बच्चों? एक तो लगाता है नाभिक के चारों ओर चक्रण, और एक वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। जैसे आपने उदाहरण के रूप में पर देखें तो सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर भी पृथ्वी चक्र लगाती है, साथ ही पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। बस वैसा ही मॉडल आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, साथ ही अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। अब देखो अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाता है ये दो प्रकार से लगाता है। पहला तो होता है दक्षिणावर्त। कैसा लगाता है? पहला दक्षिणावर्त लगाता है, दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। और दक्षिणावर्त चक्कर का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। और सेकंड ये लगाता है कैसा? वामावर्त चक्रण, वामावर्त चक्रण लगाता है। और ये कैसे करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चक्रण, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो होगा वो दो प्रकार का है, नाभिक के चारों ओर अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर भी दो प्रकार से दक्षिणावर्त और वामावर्त चक्रण ये करता है, ठीक है। अब देखो कोई भी कक्षक जो होता है, कोई भी कक्षक जो होगा, ये मान लेते हैं एक कक्षक है। अब कोई भी कक्षक जो होता है इस एक कक्षक के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक कक्षक में, नोट लाया था आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन दो आते हैं। कितने आते हैं एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन? दो आते हैं, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इस कक्षक, जैसे मान लेते हैं ये एक कक्षक है, एस कक्षक है मान लेते हैं, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम दो ही आ सकते हैं। और दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना उनका चक्रण कैसा होगा इस बारे में कौन बताता है? ये चक्रण क्वांटम संख्या बताती है। यानी कि पूछा जाए कि चक्रण क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, तो आप लोग बताएंगे यह कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। यानी कि कोई भी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा होगा इसके बारे में कौन बताएगी आपको? इसके बारे में बताएगी आपको चक्रण क्वांटम संख्या। आप देखो दक्षिणावर्त चक्रण यदि करता है इलेक्ट्रॉन तो इसको कौन ऊपर की तरफ तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और वामावर्त चक्रण करता है तो इसको कौन नीचे की तरफ तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित करते हैं। यानी कि एक कक्षक के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस प्रकार से विपरीत चक्रण में यहाँ पर होंगे, एक दक्षिणावर्त चक्रण करता हुआ और एक वामावर्त चक्रण करता हुआ, इस प्रकार से। तो किसी भी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताना है तो वो कौन बताती है? चक्रण क्वांटम संख्या आपको बताती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अपन ने क्वांटम संख्याओं में मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, चारों के बारे में विस्तार पूर्वक अपन ने चर्चा कर ली है। सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक की विषय वस्तु बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और यदि सभी को समझ में आ गई है तो अपने जितने भी आपके मित्र हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। साथ ही सभी को ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे। आदर्श एजुकेशन ऐप के अंदर आपको सभी क्लासेस, चाहे वो आपको केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपकी मैथ्स है, सभी क्लासेस आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।